राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 6 महीने से सरकारी आवास में कैद है, घर से नहीं निकल रहे हैं। अब गहलोत विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि बाढ़ पीड़ित जनता खून के आंसू रो रही है और वे घर में आराम से बैठे हैं। गहलोत ने सफाई दी कि वह घर से निकले तो भीड़ जुटेगी और दोष उनके सिर होगा। सीएम कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ से भारी तबाही मची, 27 लोगों की जान भी गई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे किए हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नहीं गए। वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर हमला बोला और कहा कि सरकार जयपुर में चैन की नींद सो रही है और बाढ़ पीड़ित जनता खून के आंसू रो रही है। वसुंधरा राजे के हमले के बाद में गहलोत ने सफाई दी कि अगर वे फील्ड में निकलेंगे तो भीड़ जुटेगी, फिर ये कहा जाएगा कि सीएम कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि वह पोस्ट कोविड के शिकार है और इसका असर 9 महीने रहता है। डॉक्टर ने बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने जनता से ही पूछ लिया कि वे क्या करें, ये उनके सामने समस्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मई में कोरोना का शिकार हुए थे, लेकिन 10 दिन में ही नेगेटिव हो गए थे। फिर जब सचिन पायलट ने जुलाई में फिर मोर्चा खोला और पार्टी हाईकमान से गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए अपने कोटे से मंत्री बनाने की मांग करने लगे, तो गहलोत ने खुद को 3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर लिया था। वैसे पिछले 9 महीने से गहलोत जयपुर से बाहर नहीं गए हैं। सिर्फ एक दफा विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने और एक दफा राज्यपाल से मिलने राजभवन गए थे। सीएम गहलोत सारे सरकारी कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कर रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल और पायलट की मांग पर फैसले से बचने और अंतर्कलह के डर से घर में कैद है, जिससे राजस्थान में जनता के कामकाज ठप है, राज्य के अराजकता है। रिपोर्ट, DPK न्यूज़।